लाइक ठोको, सब्सक्राइब ठोको, जो ठोकना है ठोको। देख रहे हो बच्चों के मजे ले रहे हो, फुल मजे ले रहे हो। रोड की साइड भी रेत का मैदान, रोड की साइड भी रेत का मैदान, क्योंकि इनके लिए जो इज्जत होती है ना वो दिल से की जाती है भाई। गिरा दे गिरा दे गिरा दे बाइक, गिरा दे गिरा दे बाइक, गिरा दे, कोई दिक्कत नहीं, गिरा दे भाई। लोगों अब हम आगे हैं न्योमा, न्योमा से आगे। तो अब क्या है ना, वहाँ पर न्योमा इसलिए रुके थे ताकि पासिस अप्लाई करना पड़ता था, तो वो हमने किए थे। तो आ गए हैं भाई, रात हो गई है, अब जहाँ पहले स्टे मिलेगा वहीं रुक जाएंगे भाई, क्योंकि रात को ड्राइव करने में मज़ा नहीं आता। गाड़ी होती है बात अलग होती है, बट बाइक में ना मज़ा नहीं आता रात के ड्राइव करने में, क्योंकि यार आप लोगों को पता ही है सुनसान रोड है यहाँ, कई कई किलोमीटर तक ना कोई दिखता नहीं है, तो रात को सेफ नहीं है भाई। और कभी भी टेम्परेचर कितना भी लो हो जाता है यहाँ पर, तो इससे अच्छा रात को जो पहले आपको उस होटल मिले स्टे करने के लिए वहीं लेके आराम से रुक जाओ, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा है भाई वेदर का हाल क्या होने लग गया। देखो और सच बताऊँ ठंडा बढ़ चुका है, जो दिन में मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैंने क्यों पहनी है जैकेट, अब मुझे लग रहा है सही पहनी हुई थी मैंने। तो दिन में मैंने वो लगा था गर्मी पड़ रही थी सीट पे ना, तो ऐसा लगा था बहुत सारे कपड़े पहन रखे मैंने, बट अब क्या लग रहा है कि हाँ सही है कपड़े पहन रखे, अच्छी बात है। हालत ख़राब है भाई, देख रहे हो बच्चों के मज़े ले रहे हो, फुल मज़े ले रहे हो भाई। ये हमसे 10 मिनट बाद निकला, भगाते हुए ला रहा है, पूरा भगाते हुए ला रहा है, गंदी आदत उसकी भगाने की भाई, और भगाते हुए ले जा रहा पूरा आगे तक। और आपको जीते हूँ, रोड की साइड भी रेत का मैदान, रोड की साइड भी रेत का मैदान भाई, हद है यार, दोनों साइड रेत का मैदान है खाली, पूरा पर रेत का मैदान है, कुछ नहीं है इसमें, खतरनाक है भाई, खतरनाक है चीज़। अरे मेरे को एक चीज़ दिखी, आप लोगों को दिखाता हूँ, आपको दिखी नहीं दिखी पता नहीं, बट मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो पहाड़ के बीच में ना कोई छेद सा बना रखा है, अच्छा छेद नहीं है दीवार सी है, दूर से देखने से लग रहा है कि छेद सा बना रखा है, वो कहते हैं ना कि खिड़की सी टाइप की, बट ये तो आर्मी एरिया पूरा। ओके दैट्स व्हाई यहाँ पर ग्रिल लगा रखी है, क्योंकि ये पूरा आर्मी एरिया है। और सेम है भाई, ये भी ये पूरा आर्मी एरिया है, और भाई आर्मी वालों के टैंक पड़े मुझे लग रहा है, पेट्रोल के टैंक आई थिंक सो। जवानों को देख के ना अपना भी सलूट हो जाता है भाई, क्योंकि इनके लिए जो इज्जत होती है ना वो दिल से की जाती है भाई अपने आप, क्योंकि आप खुद सोचे यार इतनी ठंड में लोग यहाँ पर पोस्टेड है, और इस पहाड़ों में जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल लो हो जाता है भाई कई कई जगहों पे, वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं हम लोगों के लिए खाली, और किसी के लिए नहीं कर रहे, हम लोगों के लिए कर रहे हैं भाई ड्यूटी। है देखो सोचो, ये देखो भाई पूरे एरिया इनका, ओ टैंक क्रॉसिंग नंबर 4, मतलब ये भी पूरा आर्मी एरिया है यहाँ तक। हवा का प्रेशर इतना तेज है कि अब फुट होटल दे रहा हूँ तब भी बाइक आराम आराम से आगे जा रही है, आराम आराम से, इतना हवा का प्रेशर है भाई सोच सकते हो आप लोग। ये देखो फोर होटल दे रखा भाई, बाइक कितनी आराम से आगे बढ़ रही है। टैंक क्रॉसिंग 5, ये भी आर्मी का एरिया है। बच्चे मुझे हल्के में ले रहे हैं, पर बच्चों को ही नहीं पता अगर मैं रेस करने में आऊँगा तो इनसे आराम से जीत सकता हूँ मैं, पर कोई नहीं, ये रोड रेस के लिए नहीं है, रेसिंग ट्रैक अलग होता है, ये खाली ड्राइव के लिए। आप ड्राइव करो और स्मूथली ड्राइव करो भाई, ताकि आप भी सेफ रहो सामने वाला भी सेफ रहे। ये देखो हमारे अब पास चेक होंगे, फिर हम लोग जाते आगे, तो अभी रुकना पड़ेगा भाई, पहले सबके पास ही चेक हो जाए फिर जाएंगे। करालते भाई, क्योंकि बिना पास ही चेक करे ये लोग हमें जाने नहीं देंगे आगे। और व्यू देखो भाई क्या मस्त व्यू आ रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया, मैं हूँ तिब्बतन बॉर्डर पे, और ये व्लॉग मेरे पे अपलोड होगा। फॉलो टू माय चैनल गाइस, गाइस चैनल नंबर था, नाम बता। फॉलो टू माय चैनल, चैनल का नाम तो बता, मैं आपको अपडेट करूंगा गाइस बनाने के। ओ भाई
अभी से बनाया नहीं, बना लेगा जल्दी। लाइक ठोको, सब्सक्राइब ठोको, जो ठोकना है ठोको। चलो, अरे अभी आगे चल गए, 10 ज्यादा नहीं है। सिंधु नदी है, जो पाकिस्तान में जा रही है। हाँ, पाकिस्तान से घूम के आता है, पाकिस्तान में चला जाता है। हाँ 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 हाँ, मैं ना कह रहा। चले, देखो भाई, अभी पता लगा हमें, ये सिंधु नदी है भाई, मतलब जो पाकिस्तान जाती है वो नदी यही है भाई। नई नॉलेज चीज पता लगी। अरे ये नदी पता कौन सी है? सिंधु नदी, जो पाकिस्तान जाती है। जो अकेले आगे हम चल रहे थे ना, खाली रोड था। हाँ, इसमें अगर वीडियो बनाते ना, इतना सेक्सी भाई। सारे काम चो इंसान भाई, आगे हमको पकड़ना पड़ता है। चला ये भाई, खतरनाक है भाई ये सिंधु नदी। ये देखो, ये वही नदी है जो पाकिस्तान जाती है भाई। मुझे भी पता लगा भाई इस नदी के बारे में। हाँ, तो हमने चेकिंग करा ली है, हमारे पास ही हमने पहले ही कर दिया था अप्लाई नेवा में, जो मैंने आपको बताया था पहले, तो वो अब यहाँ पर दिखी है, इसके बाद ही हम आगे रास्ते हैं। ओके, ऐसा भी सीन है क्या? टूटे रोड से सही रोड आने के लिए ऐसा आना पड़ता है? खतरनाक चीज़ है भाई। बट यार, ठंडा सच में बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा हो गया भाई, मुझे तो लग रहा है। हाँ, शीशा बंद कर लेता भाई, शीशा बंद करना, थोड़ा सा ठंडा कम लगता है बस, ये सही है। तो अब चल रहे भाई जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी हमें जहाँ जाना है 50 किलोमीटर है। और सब बताऊँ, मैं जगह का नाम भूल गया हूँ, क्योंकि भाई खतरनाक यहाँ पर जगह का नाम खतरनाक से नाम है, तो और खुद ही भूल गया क्या नाम था। बट कोई नहीं, शीशु ऐसी सूचा ऐसी कुछ नाम है, सारा नाम भी भूल गया, बट कोई नहीं। अच्छा गाइस, आप लोगों ने एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इन्फॉर्मेशन क्या बताता हूँ आप लोगों को, ये जो मेरे आगे जा रहा है ना, ये इतनी स्पीड में कट कैसे मार लेता है, जबकि इस पर बुलेट है, फिर भी कट मार रहा है। क्यों मार रहा है, इसको पता है, आदत पड़ी हुई है। इसके पास पहले अपाची 310 थी RR, और BMW 310 दोनों थी इस पर, वो भी थी, ठीक है। तो जिस वजह से उसको ना अब कट मारने की आदत सी हो गई है, उसको पता है कैसे कट मारने हैं भाई। इसलिए ना ये बंदा जहाँ देखो वहाँ इसकी स्पीड कम नहीं होती। देखो मेरी स्पीड देख लो, मैंने कम कर ली, बस इसलिए कम नहीं करेगा भाई, ये भगा रहा है उसकी स्पीड में। हद है यार, पर यार ये सेफ नहीं है, मैं इसको बता चुका, पर वही है ना, भैंस के आगे बीन बजाए कोई फ़ायदा नहीं है, ये भैंस से भी बहुत मोटा बुद्धि है। इससे भगवा लो कितनी मर्जी बाइक बस की। लो भाई, चलो जरा देखिए क्या हो गया, क्योंकि भाई बहुत गंदा नीचे ही ले गया। क्या हुआ, जा लग गई क्या? बड़ी लगी तो नहीं ना बाबा, कोई दिक्कत नहीं, लगनी नहीं चाहिए बस, खाली बाइक में कुछ भी लगनी नहीं चाहिए बस। लेफ्ट से राइट आई स्पीड हुई, फिर मैं उतर गया। कोई दिक्कत नहीं, अभी ऊपर नहीं जा रही क्या? नहीं सर, अभी हुआ है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। पता हानले में रिपेयर हो जाता है क्या? हाँ, हानले में क्या क्या दिक्कत आ गई? साइड फेंडर होता है ना जो, हाँ पैर बचा नहीं, वो देख लेंगे। अरे वो सब हो जाएगा, टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेना चाहिए। क्या दिक्कत आ गई इसमें? अभी तो देखी नहीं, चला के साथ ही किया। कोई दिक्कत नहीं, होता था, हमारे साथ वाली सुबह हो गया था, थोड़ा वो थी उसको एकदम से स्कीड हो गया उधर को, वो उधर वो जो नीचे पिलर से नहीं है छोटे छोटे से, उसमें टकराया और ऐसे करके इधर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, सब नॉर्मल है, कोई नहीं, चलो चलो। बाबा का नाम लो, सब ठीक, बाबा का नाम लो, सब ठीक होता है। चला लोगे? नहीं नहीं, इधर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ाओ। चलो 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 चलो, गो भाई,
डोंट टेक टेंशन, चलते की चलते की चलते की टोटल तो बस और तो कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो रोको और फिर टोटल दो, चलो दो टोटल, बस कोई नहीं। बाइक चेक कर लो, सही चल रही, कोई दिक्कत नहीं है ना बाइक में, वो छोटी मोटी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऑल ओके ना, ओके ओके बाय, ठीक है, टेंशन मत लो, चलो बड़ी सुधर दीजो भाई, देख लो रफ्तार का असर ही होता भाई, अगर रफ्तार में चलाओगे तो ये आपको देखना मिलेगा। बट ये कुछ हुआ नहीं राइडर के, सबसे बड़ी बात चीज ये है, बाइक में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। मेरी सांस फूल गई यार, भाई लोग हांगले तो पहुंच गए हैं, हम लोग आज हांगले आए हैं, हांगले पहुंच गए, पर दिक्कत क्या हो रही है, रूम नहीं मिल रहा भाई, और हम पहले से प्री बुकिंग नहीं करते थे क्योंकि भाई हमें दो दिन से नेटवर्क हमारे पास खुद ही नहीं आ रहे, तो कहाँ से करते हैं, अभी तो मार रहे हैं, दो तीन जगहों पर गए हैं। गिरा दे बाइक, कोई दिक्कत नहीं, गिरा दे बेकार साला, चलाना नहीं आती, तो अब रूम सर्च कर रहे भाई, दो तीन जगह ढूंढ लिए, तो भाई मैं यही रेफ़र करूँगा कि कोई भी इधर आए तो भाई रूम पहले से बुक कर लो, और एक चीज़ बता दो, रूम की पेमेंट कर देना भाई, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, ये लोग ना कहते हैं ना कि रूम किसी और को दे देते हैं और बाद में एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि भाई आपने फ़ोन नहीं किया, क्योंकि फ़ोन कर ही सकते भाई, जिसके पास यहाँ की लोकल सिम होगी वही फ़ोन कर सकता है ना, अदरवाइज़ नो फ़ोन, नेटवर्क ही नहीं आ रहे फ़ोन में, कैसे करेंगे फ़ोन। बाकी कुछ नहीं, रूम बहुत मिल जाते हैं यहाँ पर, बहुत रेस्टोरेंट है, रहने की जगह बहुत जगह है, बट थोड़ा सा जल्दी आओ क्योंकि हम ऑलरेडी लेट है, 8:45 टाइम हो रहा है, 9 बजने वाले हैं, हम ऑलरेडी लेट है भाई, हमें यहाँ पर आ जाना चाहिए था 6 बजे तक, बट हम लेट हो गए, आपको पता है रास्ते भर में क्या हुआ है, तो जिस वजह से हम लेट हो गए। बाकी रूम मिल जाए फिर बाकी रूम में बैठ के बात करते हैं।